बेहद ही रोमांचक और सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला नीदरलैंड और यूएई के बीच, जहां यकीन मानिए दोस्तों, अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी टीम बाजी मार ले जाएगी। बता दूं आपको, यूएई पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद बसीम के 41 रन की बदौलत अपने 20 ओवर में 111 रन बना पाती है और नीदरलैंड के सामने 112 रन का छोटा लक्ष्य रख देती है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर खड़ा नहीं हो पाता और सब एक एक करके पवेलियन लौटते जाते हैं, और यही कारण रहता है कि छोटा लक्ष्य होने के बावजूद नीदरलैंड काफी दबाव में बल्लेबाजी करती हुई नजर आती है और मुकाबले को अंतिम के ओवरों तक ले जाकर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लगातार विकेटों का सिलसिला गिर रहा था, लेकिन कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स मैदान पर डटे हुए थे और अंतिम के ओवरों में प्रिंगल ने उनका बहुखूबी साथ निभाया। बता दूं आपको, प्रिंगल आउट होने से पहले 16 बॉल में 15 रन बनाकर आउट होते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट तो उतना नहीं चाहिए था, लेकिन आखिरी ओवर में 6 रनों की जरूरत होती है, लेकिन एक एक रन कर कर जुटा लेते हैं नीदरलैंड के बल्लेबाज और एक गेंद शेष रहते ही शानदार और सांस रोक देने वाला मुकाबला 3 विकेट से जीतने में कामयाब रहती है।